नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति की, समाजवादी पार्टी के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की और पीडीए के फार्मूले को इस बूथ मैनेजमेंट में लागू करने की। दरअसल बीते दो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भारी बढ़त हासिल की, उसके बाद समाजवादी पार्टी को ऐसा लगने लगा कि उसे भी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने अपने खास लोगों के साथ मिलकर के एक रणनीति तैयार की। ये माइक्रो बूथ मैनेजमेंट दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही फार्मूले से प्रेरित है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका अखिलेश यादव ने बिल्कुल अलग तरीके से निकाला है। हर बूथ पर 10 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में एक पिछड़ा, एक दलित और एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को शामिल किया जाएगा। हर एक सदस्य 100 ऐसे वोटर्स को संपर्क करेगा जो फ्लोटिंग वोटर्स जिनको कहा जाता है, यानी जो इधर से उधर, यानी एक दल से दूसरे दल या एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन की तरफ मूव होते रहते हैं। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उसी के ही फार्मूले से परास्त करने की तैयारी कर रही है और ये फार्मूला आखिर किस हद तक कामयाब हो पाएगा, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ तमाम खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी इस चर्चा में हमारे साथ थोड़ी देर में शामिल होंगे और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता उमा शंकर पांडे जी भी इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। तो आज पहला सवाल हम समाजवादी पार्टी से ही ले लेते हैं। मनोज यादव जी, जिस माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी विजय पिछले दो लोकसभा चुनाव और दो विधानसभा चुनाव में हासिल की, उसी माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के सहारे अब आप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं मनोज यादव जी? निश्चय ही समाजवादी पार्टी ने 2014 से और 2022 तक के चुनावों में तमाम जगहों पर डिफीट खाई, लेकिन मानस जी एक बड़ी बेहतर बात और समाजवादी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वे रहा कि 17 के बाद समाजवादी पार्टी की जब सरकार गई उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो भी चुनाव लड़े उसमें गेन किया, गठबंधन के घटक दलों ने गेन किया या समाजवादी पार्टी इंडिविजुअल लड़ी तो उसपे भी समाजवादी पार्टी ने गेन किया। ये बिल्कुल कट सत्य है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई ताकत से लड़ रहा है मौजूदा डबल इंजन की सरकार से तो वो समाजवादी पार्टी और उनके वर्कर हैं जो बूथ लेवल तक हर विधानसभा, हर क्षेत्र, हर पूरे प्रदेश के कोने कोने में स्थापित है। माइक्रो लेवल और बीजेपी की जो बात कही जा रही कि हमने बीजेपी की नकल की, तो मैं नहीं मानता हूं इस बात को, क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई आज की बनी हुई पार्टी नहीं है। 1992 में इसकी स्थापना हुई और समाजवादियों की राजनीति कोई आज की नहीं है, एक मुद्दे की नहीं, वो इमरजेंसी से पहले और देश की आजादी से पहले भी सोशलिस्टों का इस देश की राजनीति में, आंदोलन में, संघर्षों में बड़ा योगदान रहा है। वो कांग्रेस का चाहे लड़ाई लड़नी पड़ी हो समाजवादियों को या बीजेपी से लड़नी पड़ी हो, चाहे वो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के कांड, हर जगह पे समाजवादी पार्टी ने हक अधिकार की भी लड़ाई लड़ी और आंदोलन भी लड़े। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाकी बिल्कुल नहीं रखता कि हम बीजेपी की तरह कोई माइक्रो लेवल पे काम करने की बात, उनकी धारणा को हम अपने अंदर ला रहे हैं। देखिए क्या है, बीजेपी माइक्रो लेवल पे सिर्फ नफरत फैलाती है, हम वो काम कर नहीं रहे हैं। हमारे जो बूथ है, जो हमसे कुछ बारीकी थोड़ी मिस्टेक्स हो गई हैं मानस जी, उन मिस्टेक का, जैसे हम पिछला 2022 का ही डेटा उठा लेते हैं, अगर 3.5 लाख वोट और मिल जाता समाजवादी पार्टी को तो निश्चय ही समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इतना मार्जिनल है, ठीक वैसे ही जैसे बिहार में आरजेडी को बहुमत मिलते मिलते रह गया था। तो निश्चय ही जो पार्टी है, जो राजनीतिक संगठन है, वो अपने उस लेवल को मेंटेन करना चाहेंगे, बूथ को मेंटेन करना चाहेंगे। हाँ, कुछ रणनीतियां बदली हैं और कुछ पार्टी की तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बदल के लड़ना है, लेकिन एक बात को आप भी नहीं भूल सकते, मैं भी नहीं भूल सकता, इंडिया चुनाव लड़ेगा 2024 का, तो सभी की, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरएलडी हो, या हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद हो या अनुप्रिया
पटेल की बहन की जो पार्टी है, पल्लवी पटेल की माफ करिएगा, उनकी पार्टी हो या जो और भी घटक दल आ सकते हैं हमारे साथ, उन सब के साथ कैसे एक अच्छा समावेश बनाया जाए, किस तरीके से जनता से संपर्क किया जाए, इन सब पे बात करेंगे। नकारात्मक राजनीति पे कोई काम नहीं होगा, और लेकिन सरकार की नाकामियों के खिलाफ निश्चय ही जनता के बीच में जाएंगे। और जो आप आंकड़ा दे रहे हैं वो आंकड़ा तो अभी हमें नहीं मिला है पार्टी की तरफ से कि कितना है, लेकिन हाँ हमारा बूथ बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ बूथ के नीचे सारी कमेटियां बनी हुई हैं, विधानसभा लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, बूथ लेवल पे है, हर जगह है, पूरे प्रदेश में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम आपको 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी ही स्ट्रेटजी से 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। उसमें टिकट, कैंडिडेट, हमारे कौन से प्रत्याशी किस लोकसभा में बेहतर लड़ सकते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, कांग्रेस से हमारा गठबंधन होता है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का बड़ा अच्छा सिस्टम हो और वहां पे कांग्रेस को सीट मिल जाए, तो वहां पे किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से हम चुनाव लड़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है कि वहां पे हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर सब कुछ हो, कांग्रेस से लड़े तो कांग्रेस को किस लेवल पे काम करना पड़ेगा, कि चूंकि वोटर को आपको बताना है कि आपको हाथ के पंजे पे वोट देना है, ये एक बड़ा काम है, उस लेवल को कितनी माइन्यूट लेवल पे कितनी तेजी से फास्ट करके बताया जा सकता है, इस लेवल पे समाजवादी पार्टी निश्चय ही काम करे, क्योंकि कोई अकेला साइकिल और चुनाव निशान का प्रचार नहीं करना है हमको, सारी अपने घटक दलों के और सारे सिस्टम को मजबूत करते हुए चुनाव लड़ना है। बिल्कुल मनोज जी, एक बड़ी चुनौती आपके सामने ये आने वाली, क्योंकि निश्चित तौर पर बाकी जो आपके सहयोगी दल है उनको भी सीट देनी और उनके लिए भी कैंपेन करना और साथ साथ अपना वोट भी उनको ट्रांसफर करवाना। चलिए प्रशांत जी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का जो फार्मूला यानी बूथ मैनेजमेंट और बूथ मैनेजमेंट में जो माइक्रो लेवल पर जिस तरीके की आप लोग की प्लानिंग होती थी कि पन्ना प्रमुख तक आप लोगों ने बनाए, और शायद यही वजह रही कि बूथ स्तर पर आप लोग वोटर्स को निकालने और अपनी बात को समझाने में आप कामयाब रहे, समाजवादी पार्टी भी अब माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रही है, और सबसे खास बात यह है कि पीडीए का जो फार्मूला यानी एक पिछड़ा एक दल एक अल्पसंख्यक 10 लोगों की कमेटी भी होगा, यानी करीब करीब एक कमेटी में 30% का जो शेयर है वो पीडीए के पास होगा, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती रख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं, चुनौती उनके अपने दल को बचाने की है, जिस तरीके से वो अपने दल में स्वयं सिरफटवल की स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी अपने बूथ की मजबूती के आधार पर लगातार चुनाव में जा रही है और लगातार चुनाव में विजय हासिल कर रही है। हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से लेकर बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख तक मजबूत है, हमारी पन्ना प्रमुख तक सभी जगह, सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में, जिलों में, सब जगह अपनी टीमें हैं, और उसके आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के विकास, किसान कल्याण और गरीब कल्याण के जो कार्य हैं उनके आधार पर हम लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 1 जून से लेकर 30 जून तक हमारे जो 9 साल के कामकाज थे उसको लेकर के हम लोग लगातार, हमारे सारे नेता, मंत्री, विधायक, सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में गए थे, और जो हमारे विकास की योजनाएं हैं उनको घर घर तक पहुंचाने का उसको हम लोगों ने काम किया है। और कौन पार्टी क्या बनाती है उसका अपना विशेषाधिकार होता है, किस स्ट्रक्चर में काम करता है, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है, अब उनका अपना विषय है, लेकिन हम लोग अपने संगठन पे मजबूत हैं और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर, राष्ट्रीय स्तर पर योगी जी के चेहरे पर चुनाव में जाएंगे और 300 से अधिक सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चलिए उमाशंकर पांडे जी, जिस फार्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो मनोज यादव जी भी बता रहे थे कि चूंकि इंडिया चुनाव लड़ेगा यानी जो गठबंधन है आपका उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ेगा, ऐसे में वोटर्स को ये समझा पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होगा कि मान लीजिए कहीं पर कांग्रेस का वोटर है और वो आपको वहां प्रचार करना है, आपको समाजवादी पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी का ये जो मजबूत जो गढ़ है वहां पर उनको ये समझाना पड़ेगा, मान लीजिए कि टिकट आपके खाते में जाता है तो उनको समझाना पड़ेगा कि हाथ के पंजे पर ही वोट डालिए। तो जिस तरीके की प्लानिंग मनोज यादव जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से माइक्रो बूथ मैनेजमेंट कर रही है, संगठन के लिहाज से बात करें उमाशंकर पांडे जी, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि संगठन आपका उत्तर प्रदेश में इस बात को आप स्वीकार करेंगे कि उतना मजबूत नहीं है जितना बाकी दलों का है? देखिए मानस जी, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के आई और उसके बाद चुनाव के बाद परिणाम सकारात्मक नहीं आए, तभी इस बात को हम लोगों ने समझा था कि उत्तर प्रदेश में संगठन पर काम करने की जरूरत है। और अगर आपको याद हो मानस जी, तो फिर प्रियंका गांधी जी ने
अगले 3 सालों तक यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव तक उन्होंने संगठन पर काम किया और संगठन हमारा बूथ लेवल तक पहुंचाने का श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाता है। उनकी उन्हीं 3 साल की मेहनत का परिणाम था कि आज कांग्रेस पार्टी का बूथ लेवल हो, ग्राम सभा लेवल हो, या न्याय पंचायत लेवल हो, या ब्लॉक लेवल हो, विधानसभा और लोकसभा या जिला लेवल हो, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है। हम 2022 के चुनाव में सकारात्मक परिणाम हमारा नहीं आया, जितनी मेहनत हुई थी उस तरीके से उसके इर्द गिर्द भी कई परिणाम नहीं आया और हमें बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन जो संगठन पर काम होना था उस संगठन पर प्रियंका गांधी जी और पूरी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने 3 साल मेहनत किया था। संगठन सृजन अभियान के माध्यम से प्रत्येक जनपद पर हमारे जिला अध्यक्ष बनाए गए, शहर अध्यक्षों का चयन हुआ, उसी प्रक्रिया के तहत फिर ब्लॉक अध्यक्षों का चयन, न्याय पंचायत अध्यक्षों का चयन और बूथ अध्यक्षों का चयन, संगठन सृजन अभियान के माध्यम से पूरे 2 साल ये कार्यक्रम चला था। और मुझे लगता है कि जो नगर निकाय चुनाव में सकारात्मक परिणाम हमको कुछ देखने को मिले वो उस संगठन के कारण था। और भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत वाली राजनीति है, अगर वो नफरत वाली राजनीति नहीं होती तो निश्चित रूप से कांग्रेस और बेहतर परिणाम देता। चुनाव निश्चित रूप से 2 धड़े में बट गया था, विधानसभा का चुनाव, इसका भी नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि गठबंधन का चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में बेहद आक्रोश है, लोग नाराज हैं, इनकी तमाम जो इनकी जुमलेबाजी है, जो झूठ बोलने की इनकी प्रवृत्ति है, झूठ बोलने की जो इनको ट्रेनिंग मिली हुई है कि आप कुछ भी ना करो बस झूठ बोलते रहो, महंगाई बढ़ती जाए आप कहो राष्ट्र निर्माण हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जाए आप कहो कि जो नौकरी की मांग करे वो राष्ट्र के खिलाफ है, वो राष्ट्रद्रोही है, ऐसी तमाम चीजें, महिला अत्याचारों पर बात करे तो बोलो कि वो देश विरोधी है। ये जो ट्रेनिंग मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, निश्चित रूप से उस झूठ, उस फरेब, उस जुमलेबाजी को हम काटने में अक्षम रहे। और इनकी सबसे बड़ी ताकत थी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, जिसके माध्यम से ये नफरत टीडीएस में सुबह दोपहर शाम लोगों को भेजते थे। लेकिन सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से परास्त करने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी का ट्वीट और रीट्वीट आप देख लीजिए और नरेंद्र मोदी जी से तुलना कर दीजिए, नरेंद्र मोदी जी कहीं राहुल गांधी जी के सामने पैर नहीं रहे, ना ट्विटर पर, ना इंस्टाग्राम पर और ना ही फेसबुक पर, क्योंकि जनता आप समझ गई है कि हाँ सच कहाँ है और झूठ कौन बोलता है। अभी पन्ना प्रमुख और ना जाने क्या क्या बातें कर रहे थे, मैं जरा भाजपा के साथी से पूछना चाहता हूँ, कर्नाटका में आपका पन्ना प्रमुख सो गए थे क्या, हिमाचल में कहीं दूसरे प्रदेश में टहलने चले गए थे क्या, जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था तो नींद की गोली खा लिए थे क्या, छत्तीसगढ़ के चुनाव में धराशायी हो गए थे क्या, इसी तरीके से मणिपुर में चुनाव हुआ, गोवा में हुआ, अरुणाचल प्रदेश में हुआ, जहां जहां चुनाव हुए आपके पन्ना प्रमुख केवल उत्तर प्रदेश और गुजरात में जगते हैं, बाकी जगह सो जाते हैं क्या। तो ये हवा हवाई बातें, पन्ना प्रमुख, चाणक्य, धराशायी हो जाता है आपका चाणक्य जैसे ही आप उत्तर प्रदेश के बाहर जाते हो। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार अब लंगड़ी चल रही है, वहां पर बैसाखी का सहारा लेना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में हिम्मत नहीं हो रही है, आप चुनाव करा दो। पंजाब में आपके पन्ना प्रमुख पाकिस्तान बॉर्डर में चले गए थे क्या। तो ये देखिए, चुनाव जनता लड़ती है मानस जी, और हकीकत ये है कि आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी का दंश झेल रहा है, उत्तर प्रदेश में आज सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी है। सरकार प्रायोजित गुंडागर्दी मतलब आप इनके वॉशिंग मशीन में बैठ जाओ, उस पार निकल जाओ, फिर आप धनंजय सिंह हो या बिजभूषण शरण सिंह हो, आपकी 100 गलतियां माफ, फिर तो आप संत हो, साधु हो, भगवा पहन लो, आप आसाराम बापू बन जाओगे, चिन्मयानंद बन जाओगे। आप भारतीय जनता पार्टी के हो तो आपको सरकार तब तक बचाती रहेगी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये स्थिति है मानस जी, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से अपने दम पर, इंडिया अलायंस के दम पर
और जनता के साथ जो छल कपट भारतीय जनता पार्टी ने किया है उसके खिलाफ जो आक्रोश है, और ये सुभाषपा और संजय निषाद की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी में जिस तरीके से जातिवाद और परिवारवाद के दम पर अपने ही परिवार के लोगों को पद और प्रतिष्ठा देने का खेल चल रहा, उससे जो विद्रोह इन तीनों पार्टियों में फैल रहा है उसके आधार पर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 0 और 8 के बीच भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन रहेगा और 72+ इंडिया का गठबंधन रहेगा। जी मान लीजिए अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरुण राजभर जी, आपको तो दोनों ही दलों के साथ काम करने का अनुभव है, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ा और आपने समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ा, अब एक बार फिर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो जिस तरीके का बूथ मैनेजमेंट समाजवादी पार्टी का रहा और जिस तरीके का बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का रहा, तो आपको दोनों को ही देख चुके हैं, तो ज्यादा प्रभावी कौन सा लगता है आपको? देखिए, जो गांव में रहेगा और जनता के बीच में बराबर बना रहेगा वही बूथ पर भारी भी रहेगा और वही संगठन मजबूत कर पाएगा। बड़ी बड़ी बातें करना, लंबी लंबी हाँकना, ये विपक्षी लोगों का बड़ा आदत बन चुका है। बात तो करते हैं ना कि हमने, हमारा ये बन गया है, वो बन गया है। अरे भैया, खोजते दिया लेकर खोजेंगे ना, तो जिले में 10-20 तो नेता मिल जाए तो बहुत। लेकिन अब बात करेंगे कि हम 70 सीट जीतेंगे INDIE विपक्ष वाले, अरे कैसे जीत लेंगे? बीजेपी के अलायंस पार्टनर जितने एनडीए के घटक दल हैं वो कमरे में बैठ के राजनीति नहीं कर रहे हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यक्रम चलाते हैं, गांव में जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, संगठन बनाते हैं और उसमें से लोगों को काम पे लगाते हैं कि भैया हमको ये काम करना है, सरकार की योजना ही आ रही है तो इनको जन जन तक कैसे पहुंचाना है, उसकी बातें बताना है। गांव में अशिक्षा है, ये बात सही है, उन तक पहुंचाने के लिए जो हमारे संगठन के लोग होते हैं, चाहे बूथ के हों, सेक्टर के हों, ब्लॉक के हों, विधानसभा के हों, जिले के हों, मंडल के हों, प्रदेश के हों, देश के हों, ये एक चैनल बना हुआ है और उस चैनल के आधार पर हर कार्यकर्ता, हम अपनी पार्टी सोहेल भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो हम हर बूथ पर 61 पदाधिकारी हम समन्वय समिति की तरह बना रहे हैं, हमारा समन्वय कमेटी बन रहा है और वो 61 लोग बूथ को, जितने वर्ग के लोग हैं हर गांव में, उन वर्ग के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे थोड़ा कम प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे लोगों को हम अपने कमेटी में रख करके उनको तैयार कर रहे हैं और उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं लगातार, हर 15 दिन पर 20 दिन पर उनका प्रशिक्षण कर रहे हैं कि हम आगे लड़ाई मजबूत कैसे करेंगे। बीजेपी भी सहयोग कर रही है, अपना दल का भी समर्थक सहयोग कर रहा है, हमारे निषाद जी के लोग भी सहयोग कर रहे हैं, तो जो हर गांव में हर वर्ग के लोग रहते हैं लेकिन सबका एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना हुआ है और जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आज के भी डेट में अगर देखेंगे तो प्रतिदिन कोई भी ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जो किसी कार्यकर्ता के दुखद में या किसी भी गांव की जनता अगर कहीं निधन हुआ है, कहीं कुछ घटनाएं हुई है तो वहां जा रहा, हमारे नेता उनके सुख में जा रहे हैं, उनके दुख में जा रहा है, तो वो मजबूती से उनको लग रहा है कि नहीं हम काम कर रहे हैं हमारे बीच में और इनके साथ जुड़कर काम करना। तो लोग जो नहीं भी जुड़ना चाहता है वो भी बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहा है और गांव में जाने के बाद माहौल बदल जा रहा है, ये लग रहा है कि नहीं यहां तो विपक्ष है या नहीं है, वहां तो सब एनडीए वाले ही ज्यादातर दिखाई दे रहे। आने वाले समयों में लाख कोई दावा कर ले, उत्तर प्रदेश में विपक्ष लड़ाई में नहीं है, ये भले टीवी पर और ट्विटर पर बात करें, अभी ट्विटर की बात कर रहे हैं, अरे भैया फर्जी बातें करना बंद करिए, ट्विटर पर रीट्वीट कर लेने से, व्यू बढ़ा देने से, व्यू कैसे बढ़ता है, रीट्वीट कैसे होता है, ये टेक्निकल जानकारी सबको होती है, भले वो बातें अब चैनल कहिए कि हमारे नेता की वाहवाही बतियाई, वो अलग विषय है, ट्विटर पर गांव की जनता नहीं जुड़ी है, ट्विटर पर प्रबुद्ध वर्ग जुड़ा है जो ट्विटर चलाना जानता है और ट्विटर करोड़ों लोग नहीं चलाते हैं, उनकी सीमित संख्या है, जो गांव में निवास करती है जनता उनकी संख्या ज्यादा है और हमारे पार्टी के लोग, एनडीए के लोग सीधे गांव में कनेक्ट कर रहे हैं। देखिएगा अभी चुनाव आएगा, अभी पूर्व के चुनाव हुए हैं, रिजल्ट उठाकर देखिए, एक एक विधानसभा झूठ बोल रहे थे, कनेक्शन कट गया झूठ बोलने की वजह से। कनेक्शन नहीं कटा है, कनेक्शन नहीं कटा है, मेरे पास फोन आ रहा है लगातार। अच्छा अच्छा, अरे नहीं नहीं, बोलिए आप बोलिए बोलिए। खाली रहेंगे, गाड़ी में बैठे रहेंगे तो गांव में जाने का मतलब तो है नहीं, आप तो कभी गांव में जाते नहीं है।
नहीं, आपके ऑफिस में आपका खेत दिख रहा है हमको, हमको धान का खेत दिख रहा है आपके ऑफिस में। अरे भाई मैं बहुत लंबे जी बोले 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 आप जो है ये मत कहिए नहीं हमारे यहाँ खेत दिख रहा है। हाँ हमें तो आज भी यहाँ से खेत दिख रहे हैं गांव में, अभी जो खेत देख करके आया हूँ वो भी दिख रहे हैं, और वहाँ कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क हमसे बने रह रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। हाँ तो बात ये है कि भले दावा कर ले, लेकिन 80 लोकसभा सीट एक सपना रहेगा इनका। ठीक बात है, मुलाकात होगी, चुनाव बाद भी हम लोग बैठेंगे बात करेंगे, ऐसे ही डिबेट होती रहेगी, सारे लाख दावे सारे खोखले हो जाएंगे वो सब दिखेगा, लेकिन जिन बुनियादी मुद्दों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं आज भी, अब जिस पात्र व्यक्ति को आवास नहीं मिला है उसको आवास दिलाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको आवास मुहैया कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जिनके यहाँ शौचालय नहीं बना है उनके शौचालय मुहैया कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, राशन वितरित हो ही रहे हैं, लोग राशन पा करके मस्त है। मनोज भाई हम लोग चुनाव में गए थे, राशन वाले जितने थे वोट नहीं दे रहे थे, कह रहे हैं मोदी जी तो 5 किलो दे रहे हैं, आप क्या दोगे पहले बताओ, हम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे लेकिन कुछ नहीं होता। जनता के माइंड सेट बन चुका है कि इस देश में सुरक्षा, देश में सम्मान, देश में एकता, लोगों में जो नफरत है वो खत्म एनडीए की सरकार कर रही है, और एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि 5 साल 7 साल की सरकार में 6 साल में एक दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन पूर्व के रिकॉर्ड सब उठाकर देखिए, कितने जमीन जितने अवैध लोगों ने कब्जा किया है, बड़ी संख्या में लोगों की अवैध कब्जों से छुटकारा वर्तमान सरकार में दिया गया है, तो कौन ये काम किया था पहले? इन छुटकारों जो लोग छुटकारा पा रहे हैं, अपनी जमीन पुनः पा रहे हैं, वो क्यों जाएंगे विपक्ष के पास? क्योंकि धोखा तो उनके साथ से मिला है, वो तो हमारे साथ आ रहे हैं कि भैया हमको न्याय मिल रहा है इसलिए हम आपके साथ आ रहे हैं। थाने पर सुनवाई नहीं हो रही थी पहले, थाने पर बैठ कर दमदारी से हमारी बात गलत रहे तो मानो सही है, लेकिन आज गलत है तो गलत, सही है तो सही, इसकी तरफदारी हो रही है, चाहे आप माने चाहे ना माने, भले टीवी पर बैठ कुछ भी कहें, बूथ पर जाने वाला कार्यकर्ता यह बता रहा है कि गांव में कोई भी थाने पर जा रहा है आज की वर्तमान सरकार में, तो दरोगा बड़ा प्रेम से उसकी बात राजभर जी तो ये बात नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी से जब अलग हुए थे तब आप लगाया करते थे, लेकिन अब आपके सारे गिले शिकवे दूर हो गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मनोज यादव जी एक बात में तो अरुण राजभर जी की दम है कि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कई मौकों पर एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ भी नजर आती है उत्तर प्रदेश में, कई बार वो संजय निषाद से भी मंच साझा हो जाता है, कई बार ओम प्रकाश राजभर के साथ भी मंच साझा हो जाता है बीजेपी के बड़े नेताओं का। अभी तक वो तस्वीर उत्तर प्रदेश के लोगों ने नहीं देखी कि जो इंडिया है उसके तमाम घटक दल भी कभी एक साथ किसी एक मंच पर किसी एक कार्यक्रम में नजर आए। आपको लगता नहीं कि बहुत देर हो रही है, कुछ तय नहीं हो पा रहा है? नहीं, अगर टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे तो कुछ घंटों कुछ मिनटों के लिए साझा होता है मंच एक दूसरे दलों का। जो इंडिया बन रहा है वो समावेशी है, उसमें एक शब्द है इंक्लूसिव यानी समावेशी, तो यहाँ दलों का भी समावेश बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। अभी आपको जो चुनाव प्रचार मिलेगा उससे पूर्व में जो उत्तर प्रदेश में भी जो बैठक होगी इंडिया की उसमें भी और तमाम स्ट्रेटेजिक ग्रुप से, चूंकि देखिए हम सत्ता में नहीं है जब चाहे जहां चाहे दुकान लगा के बैठ जाए, हम तो विपक्ष में है, हमें तो बहुत कुछ सोच के काम करना है, तो और इतने संसाधन भी नहीं है, हम लोग विपक्ष में विपक्ष के संसाधनों के हिसाब से ही चुनाव लड़ेंगे, तो ये सारी तस्वीरें आपको बहुतायत में देखने को मिलेंगी। अगर राहुल गांधी जी की द्वितीय शायद यात्रा शायद अगस्त में या सितंबर में होनी है, जो पोरबंदर से लेके और असम और उसके आगे तक जानी है, तो निश्चय ही आप देखेंगे बड़े वैसे वैसे ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिलेंगे। इसमें मानस जी किसी तरीके की कोई बात नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर भारत जोड़ो यात्रा में तो कांग्रेस ने आपको निमंत्रण भेजा लेकिन आप इसको ठुकरा दिया शुभ शुभकामना देकर, इस बार आप नहीं। देखिए बात इसकी नहीं, ठुकरा दिया, हमारे घटक दल थे आरएलडी गई यात्रा में शामिल हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं शामिल हो पाए लेकिन शुभकामनाएं दी और उसके लिए सभी लोग पॉजिटिव मोड में थे, नो डाउट। आपको मैं एक बात बताता हूं, इससे आप समझ जाइएगा, राहुल गांधी जी का जब प्रवेश पंजाब के बाद जम्मू में होता है, जम्मू और कश्मीर की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो इस देश के हर नागरिक का जो राजनीति में एक्टिव है या जो सामान्य मानवी को समझता है वो चिंतित था कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो। खैर सरकार ने भी नो डाउट उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा, एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की
इंतजाम किए सरकार ने, जिससे कि उनकी यात्रा पूरी हुई। तो किसी के लिए सिंपथाइज होता है इंसान, तो जाहिर सी बात है उसके साथ हम होते हैं। और एक इतनी सफल यात्रा, पूरी भारतीय राजनीति में मैंने इतनी सफल यात्रा नहीं देखी जो मैंने राहुल गांधी जी की उस 3500 किलोमीटर की यात्रा को मैंने देखा। मैं सोहेल देव पार्टी पे आना चाह रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, ठीक है जो होगा हम लोग देख लेंगे समझ लेंगे, लेकिन आपके लिए मैं शुभकामनाएं, ईश्वर से मैं बड़ी प्रार्थना करता हूँ विनम्र होके और झुक के कि आपका घर भंडार भर जाए, खाली मत रखना, चूंकि इंडिया इतना मजबूत है, आप भी बार्गेनिंग ना कर पाए तो बहुत तकलीफ होगी, जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा, नो टाइम ऑफ योर लाइफ जो आपको चांस इतना बेहतर दे, खुल के कह दे रहे हैं। देखो अभी कैबिनेट देखिए, एक मिनट रुक जाए, देखिए बैकवर्ड से आते हैं, हमारे पीडीए का एक पार्ट है, माने ना माने ये अलग बात है, वो अपनी राजनीति करने का सबका तरीका। मैं चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी को, ये मेरी विषय है और हमारी पार्टी भी यही चाहती है, मजबूत विभाग मिले, मजबूती से अपने समाज के लिए काम करें, और जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया था उनको गठबंधन करके, उससे ज्यादा सम्मान मिले, क्योंकि उस दिन की तस्वीर देख के मेरा दिल कुरेद गया था बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर जी प्रधानमंत्री को जब माला पहनाया जा रहा था तो वो बिल्कुल पीछे खड़े थे, किसी को याद नहीं आया, वो तस्वीर इस बात का एग्जाम्पल है मानस जी, यही स्थित कर देंगे ये पिछड़ों की, कि आपका वोट तो ले लेंगे लेकिन सम्मान जब देने की बात आएगी तो ओम प्रकाश राजभर जी कहीं नजर नहीं आएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आपके पिता, एक मिनट अरुण जी रुक जाइए, आपकी बात कर रहा हूं इसलिए आपको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, आपके पिताजी को आप लोगों को इतनी मजबूती से अपना हक मांगना है कि अगर वो हक ना दें तो उनको आईना दिखा देना, क्योंकि इंडिया सामने खड़ा है, इंडिया के सामने सब बौने हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ी बात कर रहे हैं कि हम बहुत पीछे थे, अरे भैया आपके यूपीए की जो बैठक हुई श्री अखिलेश यादव जी कोने में बैठे थे, फोटो खींचने वाले अगर दूसरे एंगल से फोटो खींच लें तो उसको आप ऐसे कहेंगे कि उनके बगल में तमिलनाडु के सीएम बैठे थे, उनके बगल में तमिलनाडु के सीएम बैठे थे, एमके स्टालिन साहब बैठे थे, सुनिए पहले, अब सुनिए ठीक है, स्टालिन साहब बैठे तो स्टालिन साहब उत्तर प्रदेश में 10 वोट नहीं दिलाएंगे भी, आप जानते हैं। अरे ये आप भ्रम निकाल दीजिए, आपके पास 5 भी नहीं है, हमने शुभकामनाएं दे दी हैं, चुनाव में पता चल जाएगा आपको। आप लड़िए, आप जो ये छोटी सी सीसी लेके, छोटा सा सीसा लेके जो बड़े बड़े आप उनको आईना दिखाते हो ना, ये बीमारी है। एक छोटे से टीले पर हम खड़े हैं और पहाड़ को हम देख रहे हैं और पहाड़ हमें देख रहा है, तो ये हमारे संगठन और हमारे कार्यकर्ताओं को उपलब्धि है कि एनडीए की बैठक में पहली बार महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज अपनी बात रखा, इससे पहले क्यों नहीं रखा गया भैया? ऐसे आप भी बैठक में क्यों सरकार नहीं बनवाए थे आप? 2017 में आपने उनकी सरकार नहीं बनवाई थी? नहीं, 2017 में आपने उनकी सरकार नहीं बनवाई थी? क्या क्या मिला? ओम प्रकाश राजवीर राम ओम प्रकाश राजवीर को फड़वा चलाना पड़ा था, बताया ना, याद है? नहीं याद है? अपमानित होना पड़ा था? हाँ, याद रखिएगा इस बात को। हाँ तो हमारा काम है फरसा उठाना, हम किसान हैं। अरे प्रशासन ने आपकी बात नहीं सुनी, आप बता रहे हैं कि फड़वा उठाना, प्रशासन की बात, मुद्दा ये है कि हम सार्वजनिक बात कर रहे हैं, दोबारा मौका देंगे, एक बार प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत माइक्रो लेवल पर इस बार बूथ मैनेजमेंट की बात हो रही है, हर सियासी दल चाहता है कि वो उसकी जो पार्टी का जो संगठन या कार्यकर्ता है वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स तक अपनी बात को पहुंचा सके। लेकिन एक बात जिसका जिक्र बार बार हो रहा है, पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों को आपने 2014 के बाद बखूबी जोड़ा, इस बार आपका प्रयास अल्पसंख्यकों को भी जोड़ना है, और उसको हमने देखा भी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित थी उसमें तारिक साहब को भी बड़ी अहम भूमिका दी गई। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जिस पीडीए को लेकर के समाजवादी पार्टी या इंडिया बेहद संजीदगी से काम कर रही है, उस पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पिछड़ा और दलित को बचाए रखने के लिए और अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने के लिए किस तरीके से काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार चुनौती आपके सामने बड़ी है इंडिया के रूप में। प्रशांत जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम करती, हम जो भी काम करते समाज के सभी वर्गों को लेकर के काम करते हैं, जो भी हमारी चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो,
उसका लाभ बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों को देने का काम किया गया है। चाहे नल लगा हो, टॉयलेट लगा हो, मकान बने हो या राशन मिला हो या किसी भी तरह की सरकार की योजना रही हो, उसमें किसी का टाइटल नाम नहीं देखा गया है। नौकरियां दी गई तो बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग को दी गई। ऐसा नहीं कि भाई एक सरकार के मंत्री से लिस्ट आती थी, एक खास टाइटल दे करके नौकरियां दी जाती थी। योगी जी जब नौकरी देते थे रेंडमली लोगों से बात करते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूछते थे, भैया आपने कोई आपसे पैसा तो नहीं लिया, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ। तो हमने ये सब तरीके चीजें पुरानी हो गई हैं, ये खाली प्रोपोगेंडा है। और जिस शब्द की आप बात करें वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। और अभी कांग्रेस बड़ा महंगाई की बात करता है, मैं तथ्यों के साथ बता दूं, आज देश में सबसे अधिक महंगाई कहाँ है, सबसे महंगा पेट्रोल कहाँ है? राजस्थान में 109 रुपए है, 102 रुपए कर्नाटका में है। नंदिनी दूध महंगा इन्होंने कर दिया, अभी 3 महीने सरकार बने हुए कर्नाटका में। तिरुपति मंदिर में पिछले 50 साल से वहां का नंदिनी ब्रांड का घी जा रहा था, वो वहां पे बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रेट बढ़ा दिए। हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार बने बने अभी 6 महीने हुए हैं, 2 बार 3-3 रुपए डीजल के रेट इन्होंने बढ़ा दिए। आज इनके उप मुख्यमंत्री साहब जो है कर्नाटका के, वो स्वयं कह रहे हैं कि अब हमारे पास पैसा नहीं बना है, बचा है विकास योजनाओं के लिए। तो इस तरह की इनकी योजनाएं हैं। दूसरों पर पहले आरोप लगाने से पहले आप अपने राज्यों का भ्रष्टाचार कम करिए, राज्यों पे अपनी महंगाई कम करिए। जब वहां पे दूध की रेट कम करने की बात की जाती है तो इनके उप मुख्यमंत्री जी एक आर्गुमेंट देते हैं कि भाई इससे किसानों को लाभ हो रहा है इसलिए हम दूध का दाम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आज सुरक्षा की बात करते हैं। आज अखबार प्रसाद जी, लेकिन एक सवाल सबके मन में, देखिए इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे, देखिए अरुण राजभर जी भी साथ में है और आप भी साथ में है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना कि आपको अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना था इसलिए आप ओम प्रकाश राजभर जी को साथ में लेके आए, जबकि वो लगातार तमाम मंचों से आपको ही बुरा भला कहते रहे और आपसे बहुत नाराज होकर के वो गए थे। तो अगर आप सिर्फ अगर मुद्दों पर अगर आप जा रहे होते तो क्या जरूरत थी आपको ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेने की, जिन्होंने आपको खुले मन से बुरा भला कहा। और दूसरी बात थी कि अब तो आप उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाने जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, तो कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के वोट का लालच तो बीजेपी को भी है। प्रशांत जी, सभी जितने सहयोगी दल जितने लगातार हमारे साथ 14 में भी साथ थे, उसके बाद 17 और 19 में भी साथ में थे, भले ही राजभर जी कुछ समय के लिए हमसे अलग हुए उसके बाद उसके हमारे साथ आए। अनुप्रिया जी की पार्टी भी हमारे साथ थी, संजय निषाद जी भी जुड़े, तो सभी दल हमारे साथ हैं, लगातार हैं। और जहां पर भी हमें दिखता है कि जो भी पार्टी समान विचारधारा की जो है और जो नरेंद्र मोदी जी की विकास परक नीतियों पर उनके कार्यक्रमों पर उनके साथ विश्वास जताती है वो पार्टी हमारे साथ जुड़ रही है, उसमें कोई संकोच नहीं है। और राजनीति संभावना का खेल है, कौन आज पार्टी विपक्ष में जिसके साथ जुड़ी हुई कल को किसके साथ जुड़ जाए। शरद पवार जी इनके साथ बैठक करते हैं, उसके बाद मंच में बोलने से मना कर देते हैं, कभी हमारे साथ आज उसमें बैठक में प्रधानमंत्री जी के साथ दिख गए। तो ये सब चीजें देखिए राजनीति में चलती रहती हैं, जो सभी लोग चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जो भी जनाधार वाले दल हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। राजभर जी का एक अपना जनाधार है, 17 में हमारे साथ जुड़े, हमारी सीटें बढ़ी और उसके बाद फिर हमारे साथ हैं। निश्चित तौर पर उसका हमें भी लाभ होगा, उनको भी पार्टी का लाभ होगा, सभी लोग जिनका भी अपना है आधार है वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। और आज जो कांग्रेस जो बात करती है, पूरे अखबार छपे पड़े हुए भरे पड़े हुए राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की, थानों में रेप हो रहा है, स्कूलों में रेप हो रहा है। आज 5-6 घटनाएं खाली महिलाओं से और स्कूली बच्चियों से रेप और छेड़खानी की घटनाओं की भरी पड़ी हैं। ये मोहब्बत की दुकान खोले हुए पड़े थे इनकी जो सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग, वहां पे केरला में धमकी दे रही कि हम खुलेआम हिंदुओं को फांसी पे लटकाने का काम करेंगे। ये इनकी मोहब्बत की दुकान है। ये सब चीजें सामने आ रही हैं लगातार। जो आज उत्तर प्रदेश में इनके कहीं जिलाध्यक्ष नहीं मिल रहे, प्रत्याशी खोज के मिल नहीं रहे, 2 प्रत्याशी किसी प्रकार खींच खाच के ये लोग यहाँ पे विधानसभा में जीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते, 4 स्टेट की पार्टी रह गई है, अब बातें इनसे करवा लीजिए। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश के लिए भाजपा के लिए अच्छा है कि भाई अखिलेश यादव जैसा विपक्ष में नेता हमारे पास उत्तर प्रदेश में है और राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी है, इससे बड़ी अनुकूल स्थिति नरेंद्र मोदी जी के लिए भाजपा भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या होगी। आज यही सब जो आज बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें तो निकाय चुनाव के पहले कर रहे थे, विधानसभा चुनाव के पहले भी तो यही बातें कर रहे थे ना, क्या कर लिया। बीजेपी वर्सेज आल का चुनाव हुआ, राजभर जी इनके साथ थे तब खींच खाच के 111 सीटों पर ये पहुंच पाए, कांग्रेस फिर भी 2 सीटों पर रह गई, लोकसभा में ये लोग 1 सीट पे हैं, वो भी अगली बार बचेगी कि नहीं बचेगी। तो ये सब चीजें जनता के सामने आ रही हैं। भाई सोशल मीडिया पे, टीवी पे आप कुछ ही बोल लीजिए, सोशल मीडिया पर किस तरह से रिट्वीट आ रहे हैं, अफ्रीका से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, वो सभी को पता है। तो ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे आपके रिट्वीट बढ़ रहे हैं, फॉलोअर लाइक बढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल आपको बधाई हो, उसके लिए इसी तरह आप उसमें प्रसन्न रहिए, लेकिन जनता में कहीं पर भी आपके रीच नहीं है। जनता में, हर जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी और योगी जी उनके दिल में बसते हैं और हम अपने अपने कामों के आधार पर लगातार जनता के बीच में लोकप्रिय हम जा रहे हैं। देखिए उमाशंकर पांडे जी, एक बात जो उन्होंने कही कि
अपने बीजेपी के साथी ने कह रहे हैं कि अगर सामने विपक्ष में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जैसे नेता हो तो ये तो बड़ी अनुकूल स्थिति है, तो इसके दो मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ वो ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही ऐसे नेता हैं जिनसे कोई मुकाबले में जिनसे मुकाबले का कोई मतलब ही नहीं है, खुला मैदान है, तब राहुल जी और बिल्कुल गिनती में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना अभी कर्नाटका में एक तरफ गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ के ऊंट मांगते हुए अंतिम दिन रोड शो करते हुए एकदम खून से तड़प के सड़क पे घिसट के ऊंट मांगते हुए प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने देखा, और सामने कौन था? राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा राहुल गांधी का आप चेहरा लेके लड़े थे, नरेंद्र मोदी का चेहरा लेके लड़े थे क्या कर्नाटका में? प्रचार तो कर रहे थे ना। मनोज यादव जी, सवाल इस बात का है मनोज जी, जिस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछले उनके साथ लगातार 2014 से बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, बड़ा वोट बैंक दलित का भी मायावती से काट करके बीजेपी ने अपने साथ शामिल किया, यही वजह है कि उनका वोट शेयर 50% के आसपास रहता है, कहीं कुछ कमी रह जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को भी साथ मिल गया है, निषाद जी भी साथ, यानी अति पिछड़ों को भी साथ में जोड़ा जा रहा है। अब सवाल यह है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ इंडिया है, क्या जवाब कैसे देंगे? क्योंकि आप जो कमेटी बना रहे हैं उस पर अभी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, काम करेंगे, लेकिन ऑलरेडी पहले से ही बीजेपी के पास एक मजबूत ढांचा खड़ा हुआ है और अभी तक ऐसी कोई सूरत नहीं बन पाई कि इंडिया के तमाम घटक दल आए और वो एक साथ बैठ करके उत्तर प्रदेश में कोई साझा कार्यक्रम घोषित कर सके, तो ऐसे में मुकाबला कैसे संभव है? देखिए मानस जी, आपका सवाल बड़ा जायज है, लेकिन आप अगर इसको कायदे से विश्लेषित करेंगे तो आप पाएंगे 37% वोट मिला और 111 से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के घटक दल जो सर टोटल 125 सीट है, और जो हारे सीट है उनका मार्जिनल वोट से हारे हैं, बहुत कम वोटों से। 500 से हारने वाली सीटों की संख्या 15 से 20 से ज्यादा सीटें हैं, 5000 के अंदर हम 75 सीटें हारे हैं। तो बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना हम किसी कमेटी के, बूथ के, बिना मजबूती के तो कोई नहीं जीत सकता इतना, और हम कोई नए नए तो प्लेयर है नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी ने बहुत बेहतरीन यूपीए की सरकार को चलाया और यूपीए की सरकार का समर्थन दिया, हमारे 39 सांसद थे, एक दौर ऐसा भी हमारी पार्टी का था, हमारे पास स्ट्रक्चर है। लेकिन एक बड़ी मजबूती मिली 2014 के बाद भाजपा को, और दिन प्रतिदिन वो मजबूत होती गई, कभी राष्ट्रवाद के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, कभी दंगों के नाम पे, और एक बड़ा राजनीति में एक पार्ट लगाया गया, वो था पिछड़ों वाला, जो पिछड़ों पे आरोप सब बताया गया कि सारा पिछड़ों का हक यादवों ने खा लिया और बीजेपी ने इसको बड़े प्लेटफॉर्म से प्रूव किया। लेकिन जब सदन की बात मैं याद करता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा एज ए मुख्यमंत्री सेकंड टर्म में, उन्होंने सदन में कहा कि 86 में 56 यादव समाजवादी पार्टी की सरकार में एसडीएम बना दिए गए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से ये बात सरकार में भी उठी थी, तमाम मीडिया हाउसेस में उठाई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको बड़ा लाइट वेट में लिया और उसको किनारे कर दिया, चूंकि वो अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, चुनाव को इन छोटी छोटी बहसों में नहीं उलझाना चाह रहे थे। जनता को लगा अखिलेश जी नहीं बोले तो बात सही होगी, लेकिन जब पटल पे योगी आदित्यनाथ से वो मांगा गया कि आप ये रिजल्ट रखिए कब 86 भर्तियां निकली और कब 56 एसडीएम हुए, या पूरे 5 साल के कार्यकाल में क्या 56 यादव एसडीएम की भर्ती हुई क्या आयोग के थ्रू, तो वो पाया गया वो शून्यता है, वो सिर्फ एक फ्रॉड है, झूठ है और एक नरेटिव है, जिस नरेटिव के तहत बैकवर्ड जो जातियां थी गैर यादव उनको एकजुट करने का, वो जनता जान गई है। योगी आदित्यनाथ को बड़ी सफलता मिली ये बताने में हमें, जब योगी आदित्यनाथ ने रिजल्ट नहीं रखा, क्योंकि वो डाटा नहीं था, तो सदन के पटल पे आप झूठा कोई डाटा नहीं रख सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड है एक, और उस रिकॉर्ड की जांच कभी भी हो सकती है अगर किसी ने झूठ किया। जनता को पता चल गया और हम लोगों ने बड़ी बेहतरीन स्ट्रेटेजी तरीके से 22 में चुनाव लड़ा, राजभर जी की पार्टी थी और सबके सहयोग से बेहतर चुनाव हुआ और जनता भी चुनाव बदलना चाहती थी, लेकिन वहां पे एक मिस्टेक हुई। मायावती जी का जिक्र जो आपने अभी किया, मायावती जी ने बड़ी कमजोरी से चुनाव लड़ा और 1-to-1 चुनाव हो गया। अगर मायावती
चुनौती से चुनाव लड़ जाती तो मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीत जाती। तो इस स्ट्रेटजी पे मौजूदा गठबंधन काम कर रहा है, कैसे बैकवर्ड्स आया है, यूनाइट हुआ है, दलित का भी एक बड़ा तबका यूनाइट हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ और उनके घटक दल जो थे, हम एक बड़ा चंक बनाना चाहते हैं, उसके लिए तमाम सारे घटक दलों को रखा गया और कई स्ट्रेटजियां हैं। देखो स्ट्रेटजियों को, रणनीतियों को मैं टीवी चैनल पर नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं एक रास्ता बता सकता हूं कि जो 24 का चुनाव होगा वो असली बनाम नकली होगा, कौन असली है किस वर्ग का और कौन नकली है उस वर्ग का हितैषी, इसमें बिल्कुल क्लियर है, कोई किसी के तरीके का कोई डाउट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसलिए उसमें पीडीए को एक एक शब्द दिया, एक नाम दिया, पीडीए को उन्होंने पहले ही बाउंड्री वॉल पे छक्का मार के पहुंचा दिया कि पूरे प्रदेश और देश में इस राजनीति का हिस्सा बने। जैसे मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने एक मुद्दे को राइज किया कि हम जाति जनगणना चाहते हैं, तमाम सारे उस वक्त जब कहा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और सदन में उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात सदन में कही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज पूरा देश इस बात पे राजनीति के लिए एग्री हो गया है कि हम जाति जनगणना करवाएंगे, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो आप पार्टी हो, सारे दलों ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम जाति जनगणना पे जाएंगे, हम पीडीए जो हमारा एक पूरा सिस्टम है उस पीडीए पे जाएंगे। इसका पीडीए का मतलब ये है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगड़ों की बात हम नहीं सुनेंगे, अगड़ों की भी बात, अगड़ों के अधिकारों की भी बात हमेशा से बात सुनती चली आई है, समाजवादी पार्टी से ने सुना, यूपीए ने सुना और बीजेपी के प्रवक्ता चले गए उनको बता देता, उन्होंने आरोप लगा दिया कि हमारे यहाँ जातिवाद नहीं होता। तो मैं एक आरोप लगा सकता हूँ, चलो ठीक है, मैंने 86 में 56 का उदाहरण उत्तर प्रदेश के लिए दे दिया, दिखा दो रिजल्ट अगर यादवों को इतना ही बढ़ती थी। दूसरा मैं कहता हूं कि सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी राहुल गांधी जी गांधी फैमिली से हैं, 10 साल की यूपीए की सरकार में कितने गांधियों को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया, बताया जाए भाई, क्या बताएंगे, क्या प्रूफ करेंगे। आपने 2G का आरोप लगाया, आपने तमाम सारे भ्रष्टाचारों का आरोप लगाया, चाहे यूपीए पे लगाया, चाहे समाजवादी पार्टी पे लगा, किस पे कार्रवाई हुई, एक आप बता दीजिए मानस जी, मैं मान लूंगा। रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं, मैं तो ओपन चैलेंज कह रहा हूं, लैपटॉप घोटाले की बात कर रहा हूँ, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ बीजेपी को, आप एक्सप्रेस वे की बात कर रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। एक बात आप भूल रहे हैं कि 10 साल सीबीआई का शिकंजा कसा रहा समाजवादी पार्टी पर, आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उसमें आगे पीछे उस पर जवाब दूंगा, उस पर जवाब देता हूँ, बेहतरीन जवाब। देखिए क्या था, आय से अधिक संपत्ति का ये था कि तमाम सारी जब प्रॉपर्टीज कोई खरीदता है तो उसके कागज नहीं दुरुस्त होते हैं, या आप अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, या आप अपना सो नहीं कर पाते हैं, चीजें बस इतनी बात थी, सारे कागज दुरुस्त हैं, हम करें लगा लो, आय से अधिक संपत्ति का कितनी फाइलें लगाओगे, जांच करा लो, सारी जांचें हो गई। कांग्रेस बहुत खतरनाक है, उलझा देती है सीबीआई। देखिए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा उस बात को कि मैं 20 साल सीबीआई के क्लब में रहा हूं, मुझे सब मालूम है कौन किस तरह परेशान कर सकता है। मानस जी आप एक चैनल में एंकर हैं, आप पत्रकार हैं, अगर ईडी आपके यहाँ छापा मार दे तो आपको भी परेशान कर देगी, मेरे यहाँ मार दे मेरे यहाँ भी परेशान कर देगी, अरुण राजभर के यहाँ अभी तो इनके यहाँ अगर ढंग से ईडी छापा पड़ जाए तो इनके यहाँ तो किसी को बेल भी नहीं मिलने वाली, कह देंगे ये इतनी पार्टी कैसे खड़ी कर ली आपने, 6 विधायक कैसे हो गए, आपका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है पॉलिटिकल। ये एक परेशान करने का तरीका है, निश्चय ही समाजवादी पार्टी और तमाम सारे नेताओं ने, चाहे वो लालू जी को, चाहे आदरणीय नेताजी को, सबको परेशान किया गया, इसमें दो राय नहीं। लेकिन लड़ाई इस बात की नहीं कि हमारे नेता को परेशान किया गया, लड़ाई इस बात की कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक गरीब किसान मजदूर को इस देश में छला जा रहा है, उनके अधिकारों को मारा जा रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है और हम इसी पे काम करेंगे। जो संविधान ने जिसको अधिकार दिए उस अधिकार के हिसाब से सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने लेते हैं, वो बहुत मुस्कुरा रहे बहुत देर से, अरुण राजभर जी क्या प्लानिंग है, अक्टूबर में सुना कि प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण भेज दिया, अति पिछड़ी जातियों के लिए कुछ आरक्षण की बात करो उठाने जा रहे हैं आप लोग, सवाल पूछते ही अरुण राजभर जी का कनेक्शन पता नहीं क्यों, तो फोन आ गया होगा ना टिकट के लिए, लोग टिकट मांगेंगे ना, नहीं बिल्कुल अरुण राजभर जी आ गए,
अरुण राजभर जी आप म्यूट करो। अरे म्यूट अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। मनोज भाई बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। इनके गैंग में जितने लोग शामिल हैं, कोई जमानत पर छूटा हुआ है तो कोई क्या के, कोई भ्रष्टाचार के ईडी की पूछताछ में चल रहा है तो कोई सीबीआई की पूछताछ में चल रहा है, कोई जमीन घोटाले में चल रहा है तो कोई जमीन के बदले नौकरी घोटाले में फंसा हुआ है। अब देखिए ना इनका इतिहास, जितने किसी की सदस्यता शरीर किस काम में जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इनके प्रमाण है। और देश की जनता इस गैंग को बड़े अच्छे से देख रही है कि ये भ्रष्टाचार करके आए हैं, तब जांच हुई है और इनको जमानत पर छोड़ा गया है कि आइए अभी कुछ टिमटिमाइए, राजनीति करिए। तो जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं कि नहीं हम अब एक हो जाएंगे तो सबको, अब मोदी जी को हरा देंगे तो विपक्ष एकदम मजबूत हो जाएगा। अरे भैया उत्तर प्रदेश में आप बताइए कि आपको कौन कौन सी जातियां वोट दे रही हैं? हमको तो हर वर्ग के लोग दे रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ थे तो आपको हम वोट नहीं दिए होते तो यहाँ तक पहुंचे नहीं होते, ये भी आप जान रहे हैं। हमको भी मैं जवाब दूंगा, ये आकर नहीं पहुंचे होते। लेकिन लड़ाई यहाँ क्या है कि आप अकेले लड़ रहे हो। अभी जाट लैंड में क्या स्थिति है, आपने गठबंधन किया था जाट लैंड में, वोट कहाँ गया जाट लैंड का? सब बीजेपी के साथ चला गया। उप पश्चिम में आपने मध्यांचल में वो कुशवाहा जी से गठबंधन किया, सब बीजेपी को वोट चला गया। आपके पास बचा क्या है? आपके पास आपका वोट है खाली। उसमें भी देख रहा हूँ सम्मेलन होने जा रहा है आपकी बिरादरी का, उसको रोकने के लिए हो सकता है कि सम्मेलन अगर बढ़िया से होगा तो रुकेगा नहीं, वो भी चला जाएगा। पसमांदा सम्मेलन भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग संख्या में जुट रहे हैं। तो हमारा तो अभियान चल रहा है लोगों को जोड़ने के लिए, हमारे साथ लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। लेकिन आपके साथ जो लोग पहले रहे हैं, यही कांग्रेस पार्टी को, यही समाजवादी पार्टी कहती थी कि मेरा अनुभव अच्छा नहीं है गठबंधन करने का। अब कैसा अनुभव रहेगा भैया? यही बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करे, अगले चुनाव पास खत्म हो गया तो कह रहे मेरा अनुभव खराब हो गया, वोटर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो जितने इसमें दल हैं गैंग वाले भ्रष्टाचार में शामिल, ये कितने वोट ट्रांसफरेबल करा देंगे? आंकड़े अगर उठाकर देखेंगे तो 11-12 ऐसी पार्टियां हैं जिनका उत्तर प्रदेश में एक कार्यकर्ता तक नहीं। 11 ऐसी पार्टियां हैं, एक कार्यकर्ता किसी जिले में खड़े हो जाए कि हम नेता आए हैं, हो सकता है भाई मंत्री है, मुख्यमंत्री है अपने राज्य के, तो यहाँ आएंगे तो कुछ टिमटिमाने वाले साथ घूमने वाले जो है आ जाते हैं, तो हो सकता है गमछा लगाने वाले 4-6 मिल जाए। लेकिन हकीकत यह है कि किसी जिले में उनके कार्यकर्ता नहीं है, उनका संगठन नहीं है। हाँ कांग्रेस पार्टी बड़ी दावा कर रही है कि हमने कर्नाटक जीत लिया, छत्तीसगढ़ जीत लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं जीत पाते हैं क्योंकि इनके 10 कार्यकर्ता जिले में नहीं रहते। तो वो हकीकत है, हकीकत को नजरअंदाज करना ये तो इनकी भूल हो जाती है। ठीक बात है हमारा गठबंधन और मजबूत हुआ है, हम बीजेपी के साथ गए हैं और ताकतवर बन रहे हैं और हमारे साथ और लोग जुटेंगे। आप देखिए कार्यक्रम होगा आजमगढ़ में तो इतने लोग जुटेंगे जितना कार्य गठबंधन हमारे अब तक पूर्व में हुए हैं, उतनी बड़ी रैली कभी नहीं हुई होगी जितनी रैली बड़ी हम करने जा रहे हैं। और लोगों को हर वर्ग को जुटा रहे हैं, यही नहीं खाली वहां हमारे लोग रहेंगे, वहां हर वर्ग के लोग जुटाएंगे और शुद्ध रूप से हमारे समर्थक रहेंगे। वहीं से आंकड़ा साफ हो जाएगा कि ये गैंग वाले कितना मजबूत है और हमारा एनडीए कितना मजबूत है। तो ये यूपीए वहीं से क्लियर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 80 लोग। चलिए मनोज जी समय का अभाव है लेकिन एक सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। पूर्वांचल में जहां पर आपके साथ मिलकर के ओम प्रकाश राजभर जी ने बीजेपी को कमजोर किया, एक सीट महज जीत पाए, मऊ में एक सीट मिली शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, गाजीपुर में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी उस वक्त, और आजमगढ़ में भी नहीं जीत पाई थी, मऊ में एक सीट जीत पाई थी। अब उसी पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़कर खड़े होंगे और पूर्वांचल में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक वहां पर एक बड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है, तो आपकी हर स्ट्रेटजी का जवाब बीजेपी ने पहले से तैयार करके रखा है। मनोज जी बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। नहीं मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी जी को जो कमजोरी प्राप्त हुई है एनडीए बनने के बाद, उस मजबूती को कमजोरी को मजबूती में बदलने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी का सहारा लिया गया, वो बिल्कुल होना चाहिए, मिलना चाहिए। हम निगेटिव है ही नहीं है इनके गठबंधन को लेके, एनडीए अपना काम करेगा, एनडीए अपना काम करेगा। हमारा मुद्दों की लड़ाई है, हम महंगाई पे जनता के बीच जाएंगे, हम बेरोजगारी पे जाएंगे, हम पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों के अधिकारों पे जाएंगे, हम जो जो एजेंडा होंगे जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उनके आधार पे जाएंगे। मैं तो सिर्फ ईश्वर से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि कहते नहीं कि मौका मिला है
तो गंगा मैया में डुबकी 3 नहीं 5 लगा लेना, राज्यसभा ले लेना, एमएलसी ले लेना, और टिकट जितने ज्यादा हो सकते हैं। हमारे यहाँ थे तो कह रहे थे 6 लड़ेंगे लोकसभा, तो हम तो चाहेंगे कि 7 मिल रही होंगी तभी गए हैं ये, मैं तो यही मान के चल रहा हूँ। 7 इनको मिलेंगी लोकसभा की सीटें, और बेहतर पोर्टफोलियो अच्छा लेना जिससे कि समाज का विकास हो। क्योंकि आप 24 जातियों का नाम एक सांस में लेने वाले राजनीतिक दल है, इकलौते राजनीतिक दल है पूरे प्रदेश में, ये मैं आपको कह रहा हूँ और वेल विशेष के साथ कह रहा हूँ। लेकिन अब राजभर पे आके रुक गए हैं तो ये 23 जातियां कहाँ रुकेंगी, ये आपको और आपके समय को बताना पड़ेगा। क्योंकि आपने मनोज यादव जी तंज आपने बहुत बारीकी से कसा, और ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर जी भी इसको समझ ले, लेकिन इस समय समय का अभाव है, इसकी चर्चा को यहीं पे विराम देना होगा। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की, और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एनडीए के खिलाफ पीडीए को कैसे बूथ स्तर पर इस्तेमाल करके समाजवादी पार्टी या यू कहे इंडिया और उसके तमाम घटक दल बीजेपी के सामने एक चुनौती पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की चर्चा को यही विराम देना होगा, कल फिर किसी नए मुद्दे के सामने आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।